तो बच्चों अभी हम देखेंगे 529 का वर्गमूल कैसे निकालें। आप जानते हैं वर्गमूल को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट से लिखते हैं। यहाँ पर हम भाग विधि यानी डिवीजन मेथड काम में लेंगे। देखिए इस मेथड में करना क्या है, बस आपको एक ही बार समझना है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। ये बन गया आपका जोड़ा, फिर आगे एक अंक की संख्या रहा है कितना, 5। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक संख्या लेंगे 1 से लेकर 9 तक, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर इसे 5 से बढ़ाना। लगाओ दिमाग। तो एक बच्चे की आवाज़ आ रही पीछे से कि सर हम इसके लिए 2 गुणा 2 ले लेते हैं, कितना आ गया, 4। एक बार इसको मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ, फिर अगले स्टेप में इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। ऊपर से हम जो 2 अंक अंडरलाइन किया उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। देखिए 2 अंक अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि इसमें 2 अंक एक साथ चलते हैं, जब नीचे लाने होते हैं तो 2 अंक एक साथ नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, समझ गए क्या, आसान है। अब क्या करें, इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें कि इससे बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो लिया 3 और 3 का गुणा किया, 3 3 9 4 3 12, किसको लिया हमने, 3 को ऊपर लिया, फिर घटाया, क्या आ गया, 0। यह जो वैल्यू बना है कितना, 23। ये आपका आंसर, ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, जब यहाँ 0 आ जाता है कोई आगे अंक नहीं रहता, मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं।